बुधवार, जी हाँ, वेडनेसडे, बुधवार, इसका मतलब शुभवार। जी आज का जानते हैं पहले वेदर रिपोर्ट, और उसके बाद बहुत इंतजार रहता है आज के हॉरोस्कोप का हमारे अपने पवन गुप्ता जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, करेंगे चर्चा इसके ऊपर। उससे पहले शुरुआत करते हैं हम आज के पंचांग से। आज दिन 18 जून गुरुवार, तिथि रहेगी द्वादशी, नक्षत्र रहेगा भरणी नक्षत्र, 3:01 तक दोपहर के, उसके बाद कृतिका नक्षत्र जो शुरू हो जाएगा। राहु काल 1:10 से लेकर 2:24 तक दोपहर तक ये रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं एरिस राशि से, यानी कि मेष राशि। चंद्रमा आपके लगन में ही पड़ा हुआ है। शुक्र जो है स्व राशि का द्वितीय भाव में, राहु बुध और सूर्य की युति तृतीय भाव में बनी हुई है, तो सेहत की तरफ से अगर देखें तो ये काफी शुभ रहेगा। परिवार में भी आपके काफी मेल जोल बड़ा रहेगा। परिवार के साथ जो आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग भी जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगन का मालिक मंगल 11वें भाव में, कहीं इनकम के भी सोर्स जो है वो आपके बढ़ते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। बस छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा कहीं मतभेद हो सकते हैं किसी चीज को लेके, कहीं प्रॉपर्टी को लेके, या किसी आपके आपस में विचार कहीं ना कहीं जो है वो नहीं मैच करेंगे, तो इससे थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। छोटे भाई बहनों से बना के रखें तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि। शुक्र आपके लगन में ही पड़ा हुआ है। चंद्रमा 12वें घर में किसी न किसी प्रकार की आपको थोड़ी सी जो है चिंता परेशानी जरूर दे रहा है। परिवार की तरफ से राहु सूर्य बुध जो है पड़ा हुआ है, जो परिवार की तरफ से चिंता जरूर बनी हुई दिखाई दे रही है। किसी न किसी परिवार को लेकर कहीं ना कहीं झगड़ा मतभेद भी जो है वो हो सकते हैं। मंगल जो दशम भाव में काफी पराक्रमी आपको बनाता है। जो लोग पुलिस के कार्य में हैं या जो सरकारी क्षेत्र में हैं, उनको किसी न किसी प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग जो है आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे दिन थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा, पर उसके बावजूद भी जो है वो समय आपके लिए भाग्य आपका साथ ही देने वाला होगा। आगे बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। राहु सूर्य बुध लगन में 3 ग्रहों की युति बनाकर पड़ी हुई है। सेहत की तरफ से थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपको देने की जरूरत है। सेहत के लिहाज से समय जो है वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी सी ड्राइविंग करते हुए ध्यान दें, फास्ट ड्राइविंग से बचें, किसी के उलझनों में ना पड़ें, लड़ाई झगड़ों से आज बचें तो आपके लिए समय जो है वो शुभ रहेगा। आगे बात करें कैंसर यानी कि कर्क राशि की। सूर्य बुध राहु की युति 12वें घर में, प्लानिंग तो बहुत हो रही है किसी न किसी प्रकार की। आप बहुत सोच रहे हैं कि आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, बट आज उतना काम आपका हो नहीं पाएगा, भाग्य आपका उतना साथ नहीं दे पाएगा। तो कोशिश करें कि आप काम को जो है एक एक करके करें तो जो समय आपके लिए जो अच्छा निकल जाएगा। गुरु शनि की युति जो सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं जो है आपको पत्नी पति पति पत्नी की तरफ से किसी न किसी प्रकार की परेशानी जरूर हो सकती है। पेट के संबंधी भी कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो पेट का जो है वो खास आप अपना ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। राहु सूर्य बुध की युति 3 ग्रहों की युति जो है एकादश भाव में बनी हुई है। बहुत अच्छा योग नहीं बनाता है, किसी न किसी प्रकार की खर्चे जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। कोशिश तो करेंगे कि आपको इनकम हो, बट अचानक से किसी न किसी प्रकार का कोई लॉस भी होता हुआ दिखाई जो दे रहा है। गुरु शनि की युति 6वें भाव में, शत्रु तो आपको वैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे बट आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मंगल 7वें भाव में काफी पराक्रमी रहेंगे, पार्टनर की तरफ से भी किसी न किसी प्रकार का जो है वो आपको फायदा होता हुआ दिखाई जो दे रहा है आज। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या सूर्य बुध राहु की युति 10वें भाव में, सरकारी कामों में किसी न किसी प्रकार का आपको आज फायदा हो सकता है। अगर कोई उलझन चल रही थी, अगर कोई आपका काम अटका हुआ था सरकारी, तो वो आपकी जो सीनियर आपके जो सहयोगी हैं उनकी सहायता से भी आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। मंगल 6वें भाव में भगवान हनुमान की पूजा करके और उनका नाम लेके अगर आप घर से निकलें तो समय आपके लिए जो है शुभ रहेगा। लिब्रा यानी तुला राशि की बात करें तो चंद्रमा 7वें भाव में, शुक्र 8वें भाव में, परिवार में किसी न किसी प्रकार की कोई चिंता हो सकती है। सूर्य राहु बुध जो भाग्य स्थान में, भाग्य कई बार हमारे बनते कामों में अड़चन डाल देता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ दे नहीं दे रहा,
तो आज कोई स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि भाग्य आपका जो है वो साथ नहीं दे पाएगा। मंगल शनि की युति प्रॉपर्टी के कामों में जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लाभ हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं आज, तो उसके लिए आज किया जा सकता है। मंगल पंचम भाव में भी संतान की तरफ से आपको कुछ अच्छे ही रिजल्ट देगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो राहु सूर्य बुध की युति अष्टम भाव में बनी हुई है। अष्टम भाव में राहु बुध की जब युति बनती है तो किसी न किसी प्रकार की हम किसी उलझन में जरूर पड़ जाते हैं, किसी के नाजायज कामों के मतलब हम किसी किसी की सहायता तो करने जाते हैं लेकिन उस सहायता में हम कहीं ना कहीं खुद फंस जाते हैं कि हमें ये नहीं लगता समझ आती कि ये जो बला है हमारे गले क्यों पड़ गई, हम तो किसी की सहायता करने गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा आज कोशिश करें कि नाजायज कामों में अगर कोई गलत कार्य है उसमें आप किसी प्रकार की कोई किसी की मदद ना करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र स्व राशि का होके जो है सप्तम भाव में पड़ा हुआ है, पति पत्नी के संबंध आज काफी मधुर रहेंगे। अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, अगर कोई मनमुटाव था आपके आपस के बीच में, तो आज बैठ के जो है उसको सुलझाया जा सकता है। बात करें सेजिटेरियस यानी धनु राशि की, गुरु शनि की युति जो द्वितीय भाव में बनी हुई है, सूर्य बुध राहु, परिवार में कहीं ना कहीं मनमुटाव मतभेद हो सकते हैं। सूर्य बुध राहु पति पत्नी में आपस में भी किसी न किसी प्रकार का जो आज झगड़ा दिखाई दे रहा है। तो शुक्र छठे घर में पड़ा है, तो अगर कोशिश करें कि अगर आप अपनी पत्नी को कहें कि आज नंगे पांव अगर वो ना चले तो ये बहुत ही शुभ रहेगा, नहीं तो किसी न किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी, सेहत की तरफ से भी उनके कोई ना कोई जो है वो दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो इस बात से थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, शनि गुरु लग्न में काफी साहसी आपको बना रहे हैं, मंगल भी द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है, तो भाग लाभ स्थान का मालिक जो मंगल में पड़ा है तो किसी न किसी प्रकार से परिवार की तरफ से आपको कोई ना कोई लाभ जरूर हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर भी अगर देखा जाए तो किसी न किसी प्रकार का आपको कोई उसमें फायदा जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु बुध और सूर्य जो है छठे भाव में पड़े हुए हैं, शत्रु कोशिश तो बहुत करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने की, बट वो नुकसान आपको पहुंचा नहीं पाएंगे क्योंकि राहु अपना उच्च का पड़ा हुआ है, तो किसी न किसी प्रकार से आप शत्रु पर अपने विजय प्राप्त कर ही लेंगे। आगे बात करते हैं क्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की, शनि गुरु जो 12वें घर में, किसी न किसी प्रकार के जो फालतू के खर्चे आपके जरूर सप्ताह आज के दिन दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़े खर्चों से पे अपना नियंत्रण जरूर रखने की जरूरत है। सूर्य राहु बुध पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में स्थित होकर किसी न किसी प्रकार से संतान की तरह से आपको चिंता जरूर होती हुई दिखाई जो दे रही है। शुक्र स्व राशि का चतुर्थ भाव में आज वाहन भी कोई लिया जा सकता है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी आप निर्णय ले सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि तृतीय भाव में है, पराक्रम के भाव में, तो थोड़े से आपको मेहनत जरूर से ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर मेहनत करेंगे तो आपको फल भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि की, चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में, शुक्र स्व राशि का तृतीय भाव में पड़ा हुआ है, सूर्य बुध राहु चतुर्थ भाव में, माता की तरफ से थोड़ी सी चिंता जो है वो दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का खास तौर पे ध्यान रखें, मंगल 12वें घर में बनते हुए कार्य में अड़चन डालता है क्योंकि शनि की राशि में पड़ा हुआ मित्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना किसी प्रकार की दुविधा जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। शनि गुरु जो है आपके एकादश भाव में पड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ तो जरूर करवाते रहेंगे बट थोड़ा सा आपको अपनी माता की तरफ थोड़ा सा ध्यान हेल्थ की ध्यान रखने की जरूरत है। किसी प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, या अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा उसके लिए रुक जाएं, तो ये आपके लिए समय अच्छा रहेगा। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी आपसे आपकी राशियों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।